हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेथ के पार्ट्स के बारे में जानने वाले हैं और उसकी वर्किंग जानने वाले हैं। नॉर्मली बच्चे लगातार कमेंट बॉक्स में मुझे कह रहे हैं कि भाई थ्रेड कटिंग बता दो, और उसके भी एडवांस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं आगे चलता चला जाऊँ और आपको लेथ के बेसिक ही नहीं पता तो ऐसे कंडीशन में गड़बड़ हो जाएगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी मैं वीडियोज़ बताऊँगा तो जिसको जीरो भी लेथ के बारे में पता है वो भी ये वीडियो देखकर सारी चीज़ें सीख सकता है। तो आज मैं आपको लेथ के बेसिक पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, साथ साथ उसकी वर्किंग भी बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लेथ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये चक, क्योंकि जॉब को चाहे वो राउंड जॉब हो चाहे वो स्क्वायर ब्लॉक टाइप की जॉब हो वो हम चक पे ही बांधते हैं, और उसके बाद ये रिवॉल्व होता है, घूमता है बहुत तेजी से भी और मीडियम स्पीड में भी और स्लो स्पीड में भी। तो इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो ये एक जॉब होल्डिंग डिवाइस है जिसको हम चक्की के माध्यम से होल्ड करते हैं। ऐसे डालने के बाद इसको घुमाने से क्या होता है, इसके जॉब्स पास आते हैं, दूर जाते हैं, चारों के हिसाब से इसे ट्रू किया जाता है। तो अगर आपको सबसे पहले जॉब ट्रू करना सीखना हो तो पहले ही वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो वीडियो सीख सकते हो। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये जॉब पकड़ने के काम आता है, चाहे वो राउंड हो चाहे वो स्क्वायर ब्लॉक हो। यानी कि आप देख सकते हैं ये जो एक तरह ये डाई है, ढक्कन की डाई है, ये सारे ऑपरेशन आप देख सकते हैं, ये सब हमने इसी लेथ पे बनाया हुआ है। तो जितने भी इसमें ऑपरेशन आप देख सकते हो सब हमने लेथ पे ही किए हुए हैं। और फिर उसके बाद हमने ये एक ढक्कन की डाई हमने तैयार करके इसके सैंपल मार के देखें, मैनुअल मोल्डिंग मशीन में हमने सैंपल मार के ये ओके हमने निकाल दिया। तो प्लीज़ कमेंट बिलो कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, करना जानते हैं या कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। तो अब हम बात करते हैं चक में, क्योंकि स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड और वेरी हाई स्पीड घूमता है, वो सारी कलाकारी होती है यहाँ पर। इसको लेथ का हेडस्टॉक बोलते हैं, हेडस्टॉक मतलब हेड। तो नॉर्मली ये हेडस्टॉक और जो इसकी स्पीड मेंटेन होती है, चक्की स्पीड मेंटेन होती है, इसके अंदर गियर मैकेनिज्म है जो इसको स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड और वेरी हाई स्पीड देती है। इसके साथ साथ उसकी स्पीड जो मेंटेन होती है वो ये लीवर है, इनसे होती है। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट लेथ में ये मैकेनिज्म हैंडल होते हैं, अलग होते हैं। मैं आपको NS22 में HMT लेथ में ये सब बता रहा हूँ, तो आपके वहाँ जो लेथ होगी उसका थोड़ा अलग होगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली हर लेथ पे जब आप काम शुरू करना चाहें तो बेटर है पहले जो वहाँ पर उसमें इंस्ट्रक्टर है उसकी गाइडेंस में पहले उसको सारे उसके लीवर फंक्शन समझ लें, उसके बाद आगे कोई काम करें। तो यहाँ से इसकी स्पीड मेंटेन होती है सारी की सारी। तो हेडस्टॉक के अंदर सारे गियर मैकेनिज्म फिट है। कभी अगर मौका लगा इसको खोलने का तो मैं उस टाइम वीडियो बना दूंगा कि इसका गियर मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे इसका एक लीवर और है जिसमें ये एक साइड फॉरवर्ड स्पीड देता है, ऐसे करने पे फॉरवर्ड स्पीड देगा चक्की, और ऐसे कर देंगे नीचे वाले पोर्शन में, ये भी जा नहीं रहा है, तो ये जाने पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों घूमता है। तो इसके अलावा ये दो लीवर आप और देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि ये बना हुआ एरो बना हुआ है। तो ये क्या है कि अगर हम इसको इस पोजीशन में रखेंगे तो जो राइट हैंड थ्रेड कटिंग करते टाइम लीड स्क्रू उसी हिसाब से घूमेगी कि जो हमारा टूल है वो टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ आएगा, यानी राइट हैंड थ्रेड कटिंग होगी। जैसे ही लीवर हम चेंज करेंगे तो अब क्या होगा, लीड स्क्रू ऐसे घूमेगा कि जो हमारा टूल होगा चक से टेल स्टॉक की तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड थ्रेड कटिंग के लिए। तो कुल मिला के ये दो वो है। इसके अलावा जो आप ये लीवर देख रहे हो ये किसके हैं, ये जो लीड स्क्रू और जो शाफ्ट है इसकी स्पीड कम ज्यादा करने के लिए है। इसके अलावा जो इसके लीवर्स हैं ये किस काम आते हैं, जब हम थ्रेड कटिंग करते हैं तो उसकी पिच मैच कराने के लिए, ठीक है, तो उसके मैकेनिज्म में काम आता है। तो आप कह सकते हैं इसके लीवर से लीड स्क्रू और जो ऑटोमेटिक फीड शाफ्ट है उसकी स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जब थ्रेड काटनी होती है, पिच मेंटेन करनी होती है, तब हम चार्ट देख के इसको हम एडजस्ट करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि थ्रेड की सर वो समझा दो पिच कैसे मैच करते हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल जो हमारा फोकस है लेथ के बेसिक ऑपरेशंस पे है कि वो क्या ऑपरेशन करते हैं और क्या टूल्स हम उसमें यूज करते हैं। और जो सबसे पहले बताने वाली चीज थी वो पहले ही भूल गया, नॉर्मल मशीन हमारी इससे ऑन होती है, ठीक है, इससे ऑफ होती है, और ये हमारा कूलेंट का है, इससे कूलेंट चलता है। तो सबसे पहले मुझे ये बताना था लेकिन मैं कहीं और पहुंच गया। एनी हाउ समझ में आ गया होगा, देखो आप देख सकते हैं ये हमारा मशीन ऑन, आवाज आएगी, ठीक है। इसके अलावा इसको ऑन करेंगे तो इसका कूलेंट ऑन हो जाएगा, ऑफ करनी होगी तो हम ये दबा देंगे, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों हैं, ये कूलेंट ऑफ, कूलेंट ऑफ, कूलेंट ऑन, इसके अलावा मेन ऑफ के लिए ये मशीन हमारी बंद हो गई, ठीक है। जो कूलेंट की बात करी, जब हम कूलेंट यहां से ऑन करते हैं तो ऑन होने पे क्या होता है, यहां से हमारा कूलेंट जॉब के ऊपर या टूल के ऊपर हम एडजस्ट करके उसको लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस वाले पोर्शन की, तो ये मिडिल पोर्शन है, आपने देखा हेडस्टॉक था, हेडस्टॉक के बाद मिडिल पोर्शन में ये क्या है, मेन कैरेज है। कैरेज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एक आती है क्रॉस स्लाइड, यानी जब हम इसको घुमाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस स्लाइड, स्लाइड मतलब स्लाइड कर रहा है, इसको इसलिए क्रॉस स्लाइड बोला जाता है, ठीक है। ये बोलते हैं नॉर्मल टर्निंग, ये लॉन्गिट्यूडनल फीड, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल टर्निंग, तो ये उसके लिए हो गया। और ये है हमारा टूल पोस्ट जिसके ऊपर हमने ये
टूल होल्डर फिट करते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये क्या है, टूल होल्डर, ये है टूल पोस्ट, ये है कंपाउंड स्लाइड, ये है क्रॉस स्लाइड, ये है एप्रन जिसमें सारे कंट्रोलिंग पॉइंट बने हुए, ये है बैंड की जिसमें रखे हैं इसको किसी भी पोजीशन में ऊपर नीचे करके इसको लॉक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्पैनर है इसको जब हम खोलते हैं इसके एंगल चेंज करने के लिए, जब टेपर टर्निंग करनी हो या फिर हमें इंटरनल बोरिंग करनी हो, ड्रिलिंग करनी हो, कई बार इसको हमें हटाने की जरूरत पड़ती है, तो ये मूवमेंट हम इससे देते हैं, ठीक है। जो कंपाउंड रेस्ट है उसका काम ये है। इसके अलावा ये मैं दिखा चुका हूं, टूल होल्डर पे हम टूल कसते हैं और उसको बाद उसको स्पैनर से फिट करते हैं। तो इसको फिट करने के लिए हमारे बॉक्स स्पैनर है, इसको डालने के बाद हम इसकी मूवमेंट खिसका सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये काम है इसका, ये टूल टाइट करते टाइम ये घुमाना पड़ता है, इसको घुमाने से हम टूल रख के इसको कस सकते हैं या लूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जब देख रहे हैं, जब हमें इसे टूल एंगल में तोड़ना होता है तो हम ये करते हैं, इसके ये चार जो नट हैं इसको खोलने के बाद इसको टेपर टर्निंग करते टाइम इसको लूज करके किसी भी दिशा में एंगल में तोड़ सकते हैं, यहां पर इसके एंगल बने रहते हैं, तो जितना डिग्री तोड़ना होता है हम इसमें देख के बता सकते हैं। और इसके ऊपर वाले पोर्शन को अगर आप जब ऊपर से देखेंगे तो ये तुम आपको एच टाइप का दिखेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सैडल। तो नॉर्मली सामने से पता नहीं चलता, वो ऊपर से देखने पे पता चलता है। और अब आप देख सकते हैं ये है लेथ बेड जिसपे ये वी शेप है, तो यहां पर इस पे ये मूव करता है, पूरी स्लाइडिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, लेथ बेड है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये एच है, देख सकते हैं ये एच है, तो इसको बोलते हैं सैडल, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं टेपर टर्निंग अटैचमेंट है, जो साइड में आप देख सकते हैं ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट है, जब लॉन्ग शाफ्ट में टर्निंग करनी होती है तब हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा आपको एक कूलेंट ये दिख रहा होगा, कूलेंट के लिए यूज होता है। इसके अलावा बल्ब दिख रहा होगा, बल्ब हम इसमें रात के टाइम काम करते टाइम लगाते हैं। अब हम बात करेंगे लेथ के थर्ड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट उसका हेड स्टॉक वाली असेंबली, सेकंड पार्ट में उसके कैरेज वाली असेंबली और उसके जो लेथ बेड होती है उसकी बात मैंने करी। तीसरे पार्ट में आता है टेल स्टॉक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और नॉर्मली इसका यूज हम किसी टूल कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए, इसके अलावा जॉब को सपोर्ट करने के लिए, दोनों तरह से इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि इसका टूल को होल्ड करने टाइम सपोर्टिंग डिवाइस कब होगा, जब हम ये कोई रिवॉल्विंग सेंटर होता है, ये रिवॉल्विंग सेंटर है, इसको भी हम इसमें फिट करके इसके साथ जो जॉब होती है, जब चक में जॉब बंदी होती है तो उसको सपोर्ट के लिए हम इस रिवॉल्विंग सेंटर को इसमें फिट करते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो इसकी स्लीव है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और बच्चे ने सब अपना सामान लॉकर में डाला हुआ, क्योंकि नॉर्मली हम सारा मैक्सिमम सामान बच्चों को दे के रखते हैं, वो अपने लॉकर में अपने पास रखते हैं ताकि बार बार उन्हें हमसे मांगना ना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में वो स्लीव जो है आप देख सकते हैं मोटी है, नहीं तो मैं आपको इसको फिट करके दिखा था। तो ये इससे मीडियम साइज की स्लीव होती है जो इसमें फिट होके ये पूरा फिट हो जाता है इसमें, और उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। अब नॉर्मली मेरे पास वो स्लीव नहीं है तो मैंने आपको दूसरी स्लीव इसमें लगा के दिखा दी, तो आप देख सकते हैं वैसे ही स्लीव होती है, एक मीडियम साइज की स्लीव होगी, वैसे फिट होने के बाद ये इसमें फिट हो जाएगी। तो इसको कई बार हम टेपर स्लीव देखते हैं, टेपर है तो ये टेपर स्लीव भी बोलते हैं, तो मीडियम साइज की होती है तो बिल्कुल इसमें इस टाइम ये फिट बैठ जाती। तो एक तो रिवॉल्विंग सेंटर फंसाने के लिए हम टेस्ट स्टॉक का यूज करते हैं, उसके अलावा जब हमें कहीं पर भी सेंटर ड्रिल, जॉब में सेंटर ड्रिल करनी होती है तो हम ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो जब मोटी ड्रिल होती है तो ऐसे में स्लीव लगा दी, कई बार दो दो स्लीव लगानी पड़ती है, उसके बाद हम इसमें फिट करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते टाइम ये ड्रिल कटिंग टूल होल्डिंग डिवाइस बन जाता है। तो जब हम इसमें रिवॉल्विंग फंसा रहे थे तब ये बन रहा था जॉब सपोर्टिंग डिवाइस, जब हम ये कर रहे हैं इसको फिट कर देते तो ये बोल रहा है कटिंग टूल होल्डिंग डिवाइस। इसके अलावा जब जो स्मॉल डाई की ड्रिल होती है, नॉर्मली मैंने आपको दिखाया 12 mm से ऊपर की ड्रिल यूज करते टाइम हमें स्लीव फिट करनी पड़ती है, अगर 12 mm से पतली ड्रिल है, बारीक ड्रिल हमें मारनी है 12 mm या 12 mm से कम, तो ऐसे में हमें ये ड्रिल चेक फिट करते हैं, अगेन इसके पीछे स्लीव लगती है, इसके पीछे अब दो स्लीव और लगेगी तब जाके वो इसमें फिट होगी। तो स्लीव अभी लड़कों के पास है इसीलिए इसमें फिट होके नहीं हो पा रही है इसमें, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट स्ट्रोक की मूवमेंट के लिए अक्सर दो जगह से होता है, या तो यहाँ पर एक नट दिया रहता है जिसको खोल के हम उसको पुश कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये देखा आपने इस तरह से मूव होता है। इसके अलावा इसकी लॉकिंग डिवाइस रहती है साइड में, तो वो लीवर को जब हम नीचे टाइट करेंगे ऊपर टाइट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये अपनी जगह जाम हो जाएगा, ऐसे में हम ऑपरेशन करते टाइम बार बार नहीं लेगा। इसके अलावा जो उसकी स्लीव है इसको घुमा के भी, जब इसे हम इसे घुमा देते हैं बाहर करने के बाद, अगर हमें इस पोजीशन में लॉक करना है तो यहां करके जब हम इसको कस देते हैं, कसने के बाद क्या होता है ये स्लीव अपनी जगह लॉक हो जाती है, तो ऐसे में बार बार ऑपरेशन करते टाइम अगर जॉब को सपोर्ट दे रखा है तो पीछे हिलती नहीं है, निकलती नहीं है, तो ऐसे में जॉब निकलने का डर नहीं रहता। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं ये एक रोड है जिसमें स्क्वायर थ्रेड कई बार एक में थ्रेड कटी होती है, तो इसको बोलते हैं लीड स्क्रू, और इसका काम होता है जब हमें थ्रेड काटनी होती है तो
इस लीवर से लॉक करने के बाद हम ये जो कैरिज है ऑटोमेटिक चलने लगता है, एक कंफर्म पिच पे चलता है जिससे हमारी थ्रेड काट के तैयार होती है। अब क्योंकि थ्रेड कटिंग पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पहले मुझे वही बनानी थी, लेकिन क्योंकि अगर आपको बेसिक लेथ के ऑपरेशन का ही पता नहीं है तो ऐसे में वो बेकार हो जाएगी बात। तो ये है लीड स्क्रू, लीड स्क्रू से थ्रेड कटिंग के टाइम में यूज होती है। इसका एंगेज वाला बटन ये होता है, ठीक है, तो हर एक उसमें थोड़ा चेंज हो सकता है। इसके अलावा ये है ऑटो फीड रोड, तो ये ऑटो फीड रोड है, इसकी पहचान है, इसमें एक स्लॉट कटा रहता है, ठीक है, तो ये स्लॉट कटा रहता है, जैसे आप ये स्लॉट देख रहे हैं ऐसा स्लॉट इसमें भी है, तो जो ऑटो फीड देनी होती है तब हम ये, तब ये रोड काम करती है। नॉर्मली चलते टाइम ये दोनों ही चलते हैं, तो अभी काट के भी दिखाएंगे। इसके अलावा ये ऑन ऑफ है, देखो इसको ऐसे करेंगे तो ये ऑन हो जाता है, और ऐसे करेंगे तो ये फॉरवर्ड घूमेगी, और ऐसे करेंगे ये रिवर्स घूमेगी। तो ये इसका मेन ऑन पॉइंट ये है, एक आगे है, और अब ये बटन कैसे काम करते हैं, ये हैंडल कैसे काम करते हैं, आगे हम ये बताने वाले। इसके अलावा जो लेथ का ये देख रहे हैं, जो हर वाला पार्ट है, पूरी बॉडी है, सब कुछ इसी पे, जो बेड वेज है इसी के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है, जो कैरेज, जो ये कैरेज है ये भी इसी के ऊपर रुका हुआ है टिका हुआ है। तो ऐसे में जो ये है इसको बेड बोलते हैं, जैसे सोते टाइम आप बेड पे सोते हैं, सब कुछ बेड के ऊपर निर्भर करते हैं, उसी तरह से लेथ का जो ये है, ये वाला पोर्शन बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, लेथ बेड, और नॉर्मली ये कास्ट आयरन का होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो बेड, जो लेथ बेड है, किस पे, इसके बेस पे खड़ा हुआ है, जिसको हम कई बार लेग भी बोलते हैं, यानी लेथ लेग्स बोल देते हैं ये और फ्रंट वाले पोर्शन को। इसके अलावा आप इसको बेस भी कह सकते हैं, जो नट बोल्ट की सहायता से जमीन के साथ जुड़े हुए होते हैं, ताकि जब तेज स्पीड पे लेथ घूमे तो उस टाइम वाइब्रेशन ना हो। खासकर जो हैवी मशीनरी होती है उसके नीचे के जो नट बोल्ट होते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से उसको हम उसकी रूटिंग करते हैं, तो उसके ऊपर तो अलग एक वीडियो बनेगी। तो फिलहाल हम ज्यादा डीप में ना जाते हुए हम बात करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। एप्रन में सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको जो लीड स्क्रू इंगेज और डिसंगेज होता है, जिससे थ्रेड कटती है, उसका फंक्शन दिखा रहे हैं। तो लीड स्क्रू का जो हैंडल है, सबसे पहले हम वो दिखाएंगे, ये इसका लीड स्क्रू का हैंडल है। इसको जब हम ऊपर करते हैं, आप देखिए अंदर वो जो खांचा है, हाफ नट है, वो उसने लीड स्क्रू को पकड़ लिया, और जब इसको हम नीचे करेंगे तो उसने लीड स्क्रू को छोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं लीड स्क्रू इंगेज करना, ये ऊपर जब लीवर हमने ऊपर किया तो ये इंगेज हो गया लीड स्क्रू, ऐसे में ये कैरेज आगे चलना शुरू हो जाएगा, और जब हमारी थ्रेड कट जाएगी और हमें उसे हटाना होगा तो हम इस लीवर को नीचे करेंगे, नीचे करने पर ये हाफ नट उस लीड स्क्रू को छोड़ देगा, तो ऐसी कंडीशन में वो चलना बंद हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लीड स्क्रू इंगेज करना और लीड स्क्रू को डिसंगेज करना, ताकि हमारी थ्रेड बन जाए और बनने के बाद छूट जाए। तो सबसे पहले हम आपको ऑटो फीड दिखाते हैं कैसे होती है। तो ऑटो फीड के लिए एक हमारा मैनुअल पोजीशन में, एक जो इसका लीवर रहता है ऑटो फीड में, ये मैनुअल पोजीशन है। ऐसे कंडीशन में जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं होती। तो सबसे पहले जो इसकी ऑटो फीड जो लीवर है, इसको हम एक पोजीशन में करेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं, हाथ लगाओ उसके ऊपर, ये ऑटो फीड में चल रहा है। इस टाइम ये जो कैरेज है ये फ्रंट साइड में घूम रहा है, आप देख सकते हैं, उसका हैंडल आप देख रहे हो, स्लोली वो फ्रंट साइड में जा रहा है। अब इसकी हमें डायरेक्शन चेंज करनी होगी, तो हम इस लीवर को घुमाएंगे, ये देखिए ऐसे कंडीशन में ये उल्टा घूमना शुरू कर दिया। तो यानी अगर हमें फॉरवर्ड स्ट्रोक में हमें कैरेज को घुमाना है तो एक एक साइड करना है, और जैसे ही चेंज करना होगा तो हमने उसका लीवर चेंज करा तो ये दूसरी साइड हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रॉस स्लाइड को कि ऑटो फीड कैसे होती है। तो अगेन जो मैनुअल पे हमने उसको सेट किया हुआ है, उसके लीवर को हम उसको करेंगे इसके क्रॉस स्लाइड के उस पर। अब आप देख सकते हैं ये इस टाइम बाहर को आ रहा है, टूल हाथ रखो उसके ऊपर, लीवर के ऊपर हाथ रखो, देख सकते हो ये घूम रहा है, और ये जो इसका अभी जो टॉप स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड है, वो हमारी तरफ आ रहा है, और जैसे ही इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी तो हम ये लीवर चेंज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये अब क्या कर रहा है, ये चक्की तरफ जा रहा है, देख सकते हैं आप पीछे की तरफ ये इस टाइम जा रहा है। तो कुल मिला के आपने देखा एप्रन में जितने भी लीवर थे उनका हमने फंक्शन आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी, और जाहिर सी बात है कि अगर आपको डिटेल में लेथ के बारे में जानना होगा तो ये आपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखी होगी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। इसके अलावा आपका किसी भी तरह का डाउट क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा बगल में एक लाल बटन होगा मशीन ऑन ऑफ करने वाला, सब्सक्राइबर ऑन सब्सक्राइबर ऑफ, तो अगर ये चैनल आपके काम का है, ये वीडियोस आपके काम की है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस लीवर को भी आप ऑन रखें। इसके अलावा जो बच्चे लेथ के बारे में कम जानते हैं उनकी हेल्प हो सकती है, उन तक भी ये वीडियो जरूर जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मुलाकात होगी, तब तक बाय, नमस्कार। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।